नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे आइए देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति सूची भारत के उपराष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री मोपारापू वेंकैया नायडू हैं जो 11 अगस्त 2017 को चुना गए थे नेक्स्ट भारत के उपराष्ट्रपति की सूची 1952 से लेकर 2022 तक उपराष्ट्रपति का नाम कार्या नाम कार्यकाल कब से कब तक है डॉक्टर स्वरपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 से लेकर 14 मई 1957 ईस्वी तक नेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक नेक्स्ट बारह गिरी वेंकट गिरी 13 मई उन्नीस से तीन मई उन्नीस सौ उनहत्तर ईस्वी तक नेक्स्ट गोपाल स्वरूप पाठक इकतीस अगस्त उन्नीस सौ उनहत्तर से तीस अगस्त उन्नीस सौ चौहत्तर ईस्वी तक नेक्स्ट बी डी जती इकतीस अगस्त उन्नीस सौ चौहत्तर से तीस अगस्त उन्नीस सौ उनासी ईस्वी तक नेक्स्ट मोहम्मद हिदायतुल्ला इकतीस अगस्त उन्नीस सौ उनासी से तीस अगस्त उन्नीस सौ चौरासी ईस्वी तक नेक्स्ट आर वेंकट रमन इकतीस अगस्त उन्नीस सौ चौरासी से सत्ताईस जुलाई उन्नीस सौ सतासी तक नेक्स्ट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तीन सितंबर उन्नीस से चौबीस जुलाई उन्नीस तक नेक्स्ट के आर नारायण इक्कीस अगस्त उन्नीस से चौबीस जुलाई उन्नीस तक नेक्स्ट कृष्णाकांत इक्कीस अगस्त उन्नीस से सत्ताईस जुलाई 2002 तक नेक्स्ट भैरव सिंह शेखावत उन्नीस अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक नेक्स्ट मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 से 19 जुलाई 2017 तक नेक्स्ट वेंकैया नायडू ग्यारह अगस्त दो हज़ार सत्रह से अब तक अंतिम संशोधन अट्ठाईस जनवरी दो हज़ार बाईस को किया गया था नेक्स्ट भारत के उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति पद पत के लिए योग्यता भारत के राष्ट्रपति पद पत के निम्नलिखित योग्यताएं होना अनिवार्य है कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है भारत का नागरिक हो पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में से किसी सदन का सदस्य न हो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संसद या राज्य विधानमंडलों का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पत के लिए निर्वाचित किया जाता है और यदि वह संसद या राज्य विधानमंडलों में से किसी सदन का सदस्य है तो उसे इस सदस्यता का त्याग करना पड़ता है नेक्स्ट भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण, के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व परत्थ के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा नंबर दो उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक कर दिया है नंबर थ्री कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है ख पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहृत है नंबर फोर कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा उपराष्ट्रपति के कार्य भारत के उपराष्ट्रपति के कार्य राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रीति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्त की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के वो बंदों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति या बीमार या अन्य किसी कारण से अपने कृतियों का निर्वहन करने में समर्थ है तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृतियों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस कार्य इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृतियों का निर्वहन कर रहा है राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियाँ भत्तों और विशेष अधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करें और जब तक इस नियमित इस प्रकार उत्पन्न नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में निर्विष्ट है हकदार होगा उपराष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति पद पत की अवधि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा और यदि उसका उत्तराधिकारी इस पाँच वर्ष की अवधि के दौरान नहीं चुना जाता है तो वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर पद ग्रहण नहीं कर लेता लेकिन उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष के अंदर भी अपने पद से निम्नलिखित ढंग से हट सकता है या हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश करने से पहले उसकी सूचना उन्हें चौदह दिन पूर्व देना आवश्यक है राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद उसे अनुमोदन के लिए लोकसभा को भेजा जाता है यदि लोकसभा संकल्प को अनुमोदित कर देती है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति में उपराष्ट्रपति महाभियोग द्वारा केवल उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकेगा जिस प्रक्रिया से संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग स्थापित करने का प्रावधान है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है नेक्स्ट उन उपराष्ट्रपतियों का नाम बताया जो निर्विरोध चुने गए हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिदायतुल्ला शंकर दयाल शर्मा ने उपाध्याय के रूप में कार्य किया और निर्विरोध चुने गए नेक्स्ट भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम बताया भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम वेंकैया नायडू है जिन्हें ग्यारह अगस्त दो को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया था उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को महाभियोग की पूरी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है या राज्यसभा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उपराष्ट्रपति को हटा सकती है लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है उपराष्ट्रपति एक कार्यवा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अधिकतम छः महीने के अधिक के लिए कार्य कर सकता है थैंक यू फ्रेंड अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें साथ में आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें